तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, सुगम विज्ञान क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 है। तो हमने इसके पार्ट 1 में कुछ रीडिंग सीरीज को देखा था और आज यहाँ पे देखेंगे कोशिका की संरचना तथा कार्य। तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और इस चैनल पर आपको 8 क्लास का धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट और 7 क्लास का 6 क्लास का लेकिन मतलब 6 से लेकर 10 तक सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे कवर होगा, ठीक है। बाद में ये कंपटीशन लेवल तक भी जाएगा, तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, कोशिका की संरचना तथा कार्य। तो 1838 में दो जर्मन जीव वैज्ञानिक को जे एक थे स्लीडेन और एक थे स्वान, ठीक है। तो इन्होंने कोशिका मतवाद दिया, यानी कोशिका के बारे में एक मतवाद दिया। तो देखिए इसके अनुसार क्या है कि कोशिका मतवाद का ये प्रतिपादन किया, इसके अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक यानी कोशिकाओं का बना होता है। इसके अनुसार जो जीव का शरीर होता है या तो एक कोशिका का बना होगा या तो फिर बहुत सारे कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिका के बने होंगे। प्रत्येक कोशिका एक पृथक इकाई है, मतलब जो भी कोशिका है वो किसी न किसी कोशिका से ही बना है, ठीक है, मतलब उससे अलग हुआ है पृथक कोशिका। जैसे ये एक कोशिका है तो ये बाद में इस प्रकार से कोशिका विभाजन के द्वारा ये डबल कोशिका हो जाएगा, ठीक है, फिर ये डबल कोशिका, फिर ये दो हो जाएगा, फिर ये दो चार हो जाएगा, फिर इसी प्रकार से ये बढ़ते रहेगा। जैसे कि हम लोग छोटा थे तो इतना बड़ा, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है उस टाइप से हम उसके अनुसार हम लोग बड़ा हो जाते हैं। तो उसे वो होता है कोशिका डिवीजन, कोशिका के बढ़ने से हमारा शरीर बड़ा होता है, ठीक है, चूँकि हमारा शरीर बड़ा होता है मतलब कोशिका भी बड़ा होगा, तो ऐसा होता है। तो ये प्रत्येक कोशिका जो होता है एक पृथक इकाई है, तथापि सब कोशिकाएँ मिलकर काम करती है, सभी कोशिका मिलकर काम करती है। एक कोशिकीय जीव का शरीर एक कोशिका का बना होता है और जो बहु कोशिका हो तो बहुत सारे कोशिका बनेंगे, ठीक है, लेकिन जो एक कोशिका का जो शरीर होता है एक ही कोशिका का बना होता है, उसमें जो भी जीवन संबंधी जो भी क्रिया है वो सभी एक ही कोशिका में संपन्न होंगे। इसी कोशिका में जीवन की सभी क्रियाएं संपन्न होती है, इसमें श्रम विभाजन देखने को नहीं मिलता, यानी जो काम का विभाजन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, यानी कि ऐसा बोल रहा है कि श्रम विभाजन नहीं मिलता इसमें, मतलब कोई विशेष काम के लिए कोई विशेष कोशिका ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें एक ही कोशिका है ही तो वही सब काम को कर लेगा। लेकिन जो बहु कोशिकीय जीव होते हैं उसमें श्रम विभाजन होता है, अलग अलग कोशिका अलग 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 काम अलग अलग कोशिका करते हैं, ठीक है, तो हमारे में श्रम विभाजन होता है जो बहुत कोशिकीय होते हैं देखने को नहीं मिलता है यहाँ पे। इसके विपरीत उस श्रेणी यानी कि जो बहु कोशिकीय है उस श्रेणी के बहु कोशिकीय जीव का जो शरीर है वह असंख्य कोशिकाओं का बना होता है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं, ठीक है, भिन्न भिन्न काम, तो भिन्न भिन्न कोशिकाएं भिन्न प्रकार के, तो भिन्न भिन्न कार्य के लिए निर्धारित होती है। इस प्रकार इन जीवों की कोशिकाओं के बीच श्रम विभाजन देखने को मिलता है। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान होता है, ठीक है, एकदम एक ही तरह के जो कोशिका होते हैं जो रचना सेम है, उद्गम यानी जहाँ से आया, कार्य सभी सेम है, तो उसके समूह को, उस कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे कोशिकाओं को समूह को हम लोग उत्तक बोलेंगे यानी टीशू। तो जैसे ये बहुत सारे सेल मिलकर टीशू बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल मिलकर टीशू बन जाएंगे और बहुत सारे मतलब उत्तक बन जाएंगे और बहुत सारे उत्तक मिलकर हमारा अंग बनता है, ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनेगा, ठीक है, अंग तंत्र बनेगा और बहुत सारे अंग तंत्र मिलकर हमारा एक शरीर यानी बॉडी बनता है, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो मेन इकाई हमारा सेल ही है, सेल से ही उत्तक बना तो उत्तक में सेल है, और उत्तक से अंग बना तो इस अंग में भी सेल ही है, ठीक है, और अंग से अंग तंत्र बना तो इसमें भी सेल ही है, और अंग तंत्र से फिर शरीर बन गया तो उसमें भी सेल ही है, सिंपल सेल ही से बना है, ठीक है। तो ये होता है सेल और ये उत्तक, फिर अंग बनता है, जैसे हमारा लीवर हो गया है ना, किडनी हो गया, फेफड़े, ये सब जो अंग हैं उस प्रकार से बना है, और उससे फिर अंग बहुत सारे मिलकर, कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, जो भी हम सांस लेने में जो जो ऑर्गन यूज होता है, पाचन तंत्र, ठीक है, खाना खाते हैं तो जहाँ तक वो जाता है छोटी हाथ बड़ी हाथ ये सब, तो ये सब हमारा एक पाचन तंत्र है। तो ये सब तंत्र मिलकर एक शरीर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है दो या दो से अधिक प्रकार के उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने समझा एक जैसे सेल का समूह होगा जो उत्तक बनेगा, ठीक है, एक जैसे समूह मतलब एक जैसे सेल उत्तक बना, उसके बाद उसी तरीके के या तो दो या दो से अधिक
प्रकार के ऊतक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। अंग शरीर का एक संगठित भाग है, चूँकि शरीर जो है वो एक अंग का संगठित भाग है, अंग शरीर का एक संगठित भाग है, ठीक है। चूँकि अंग जो है वो संगठित है, बहुत सारे अंग मिलकर ही शरीर है, तो वो अंग जो है शरीर का एक संगठित भाग है जो एक या अधिक कार्यों का संपादन करता है। शरीर के सभी अंग मिलकर जीवन संबंधी सभी क्रियाओं को संपादित करते हैं। इस प्रकार कोशिका सभी जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। चूँकि संरचना और जो भी काम होता है वो सभी कोशिका से ही होता है, तो ये ऐसा है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कोशिका के संघटक, उसका जो ऑर्गन होता है, तो कोशिका के आंतरिक संरचना में भी विभिन्नता पाई जाती है उसके अंदर, परंतु सभी कोशिकाओं में तीन मुख्य संघटक होते हैं। पहला हो गया कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव और तीसरा हो गया केंद्रक। ये मेन संघटक तीन हुए। कोशिका द्रव तथा केंद्रक को सम्मिलित रूप से हम लोग जीव द्रव बोलेंगे, यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, ठीक है, इसे भौतिक आधार कहा जाता है क्योंकि जीवन की सारी क्रियाएं इसी पर निर्भर रहती है। तो पहला जो हमारा मेन संघटक में पहला है कोशिका झिल्ली, इसके बारे में जानते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। तो यह जीव द्रव के लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। आप याद रख सकते हैं किस चीज़ का बना होता है, लिपिड प्रोटीन का, प्रोटोन यहाँ पे लिखा हुआ है। जंतु कोशिका की यह सबसे बाहरी परत होती है, जबकि पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर एक अन्य मोटी परत पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे पेड़ पौधे वाले जो होते हैं उनकी कोशिका जो होता है, कोशिका झिल्ली के बाहर भी एक परत होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, जो कि कड़ा होता है। तो इस परत को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, यानी सेल वॉल कहा जाता है। यह प्राय सेलुलोज की बनी होती है। पौधों को हमेशा वायुमंडलीय ताप परिवर्तन, नमी, तेज गति से चलने वाली हवा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। वे प्राय अपनी जगह स्थिर रहते हैं, वो तो चल नहीं सकते। इन सबों के कारण पादप कोशिका को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर की रचनाओं को सुरक्षा भी प्रदान करता है और आकृति प्रदान करता है। यह एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग भी करता है, यानी पृथक करती है। यह चयनात्मक परिगम होता है, यह चयनात्मक परिगम होती है, ठीक है, ये जिसके कारण यह केवल इच्छुक पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है तथा हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है, ठीक है। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में हम लोग ऐसे जानते हैं, चयनात्मक परिगम झिल्ली होता है, ठीक है, और ये जो इच्छुक पदार्थ होते हैं उसको आने जाने देता है, जो हानिकारक होता है उसको बाहर निकालता है और जो इसके यूज के लिए होगा वो अंदर आने देता है, ठीक है। तो ये हमारा था कोशिका झिल्ली, ये पहला कोशिका झिल्ली हुआ। यहाँ पे कुछ बोल रहा है तो यहाँ पे देख लेते हैं। आप एक अच्छा स्वच्छ दांत खोदने की सहायता से गाल की भीतरी जो सतह है ना उसको धीरे से खुरचे तथा खुरचन को कांच की स्लाइड पर रखे। इस खुरचन पर आयोडीन बिलियन की एक दो बूंद डालकर सूक्ष्मदर्शी में इसका अवलोकन करें। इसके अवलोकन के दौरान आप पाएंगे कि कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। कोशिका द्रव के बारे में बात करेंगे, यानी कि साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक के मध्य पाया जाता है। जो जैसे कि हमारे पास जो सेल होता है, तो कोशिका झिल्ली बाहर हुआ और ये केंद्रक हुआ, तो इसके बीच में जो हमारा पाया जाता है, ठीक है, ये वो हो गया हमारा कोशिका द्रव। बीच में जो द्रव होता है इसके बीच में द्रव होता है, ठीक है, ये केंद्रक तो इसके बीच में द्रव होगा, तो ये कोशिका द्रव हुआ, उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। या दानेदार अर्ध तरल यानी थोड़ा सा तरल, अर्ध तरल का मतलब गाढ़ा टाइप से जो आप देखेंगे सिरप वगैरह, और ये साथ में तथा अर्ध पारदर्शक होता है, मतलब आधा आर पर देख सकते हैं, मतलब पूरा क्लियर आर पर नहीं झलकेगा, ठीक है, वो अर्ध पारदर्शी हुआ। इसमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें निम्नलिखित प्रमुख रचनाएं पाई जाती है, जैसे कि इसमें जो कोशिका द्रव में रचनाएं मिलेगा उसमें से पहला माइटोकॉन्ड्रिया, या दोहरी झिल्लियों से घिरी दंडाकार या फिर गोलाकार रचना होती है, ठीक है, जो कोशिका द्रव में पाई जाती है। ये कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है ATP के फॉर्म में, ठीक है, इसलिए ATP यहाँ पर लिखा हुआ है।
ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसके कारण इन्हें कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का गृह हाउस कहा जाता है। अब दूसरा है इसका जो हमारे पास जो पाया जाता है उसके अंदर, तो उसमें दूसरा ऑर्गेन है लवक। यह पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। यह पादप कोशिका द्रव की सबसे बड़ी रचना है। ये कोशिका द्रव में बिखरे रहते हैं। ठीक है, कोशिका द्रव में बिखरे रहेंगे। लवक मुख्यतः तीन प्रकार के होता है। ये हमारा है पहला हरित लवक, बर्नी लवक, अवर्णी लवक। ये तीन होते हैं। हरित लवक में क्लोरोफिल नामक हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। यह पता भी होगा आपको, पेड़ पौधों में तो होता ही है, पत्ती में। ये पौधों की हरी पत्तियों तथा अन्य जो भी हरे भाग हैं उसमें पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल वर्णक तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। हरित लवक को इसी कारण पादप कोशिका का रसोई कहा जाता है। वर्णिक लवक में मुख्यतः पीले रंग का जैंथोफिल वर्णक, लाल रंग का कैरोटीन वर्णक आदि पाया जाता है। फूल के रंगीन पंखुड़िया तथा फलों के विभिन्न रंग इन वर्णी लवक के कारण ही होता है। ठीक है, वर्णी लवक जो होते हैं, पीले रंग का जैंथोफिल हो गया, लाल रंग का कैरोटीन हो गया, तो ये सब के कारण ही जो फल फूल होते हैं, ये विभिन्न रंग के जो भी होते हैं, अवर्णिक विभिन्न रंग के होते हैं। ठीक है, अवर्णिक लवक रंगहीन होते हैं। वर्णिक लवक तो हमने देखा, लेकिन अवर्णिक लवक, वर्णिक का अपोजिट यहाँ पे अवर्णिक लवक रंगहीन होता है। ये प्रायः सूर्य के प्रकाश से वंचित भागों में, जहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँच सकता वहाँ पर ये होता है, जैसे जड़ों, भूमिगत तनों आदि में ये पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक एक दूसरे से रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो जो लवक है वो उस लवक में, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, जैसे हरे टमाटर में हरित लवक उपस्थित होता है जो टमाटर के पकने पर बर्नी लवक में परिवर्तित हो जाता है। देखे होंगे हरा होता है, फिर पकने के बाद उसका रंग चेंज हो जाता है, यानी कि जो टमाटर का रंग हमने देखा है लाल टाइप से होता है ना, तो वो बर्निक लवक में बदल गया, था वो हरा था। ठीक है, हरा क्लोरोफिल तो वो बर्निक लवक में हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दूसरे रूप में परिवर्तित रूपांतरित हो सकता है। तीसरा हमारा रसदानी है, तो यह थैली के समान रचना होती है। रसदानी जो होता है थैली के समान होता है, और ये रसदानी हमने जो देखा था पेड़ पौधे वाले जो कोशिका उसमें बड़ा होता है। ठीक है, तो ये रचना होती है कोशिका द्रव में पाई जाती है। यह चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरी होती है, जिसे हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है, रसदानी घिरा होता है उसका नाम, मतलब जिस झिल्ली से घिरा होता है टोनोप्लास्ट हो गया। इसके अंदर कोशिका रस पाया जाता है। कोशिका रस में भोज पदार्थ, जल तथा अन्य उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। सामान्यतः पादप कोशिका में बड़ी रसदानियाँ तथा जंतु कोशिका में बहुत छोटी रसदानियाँ पाई जाती है। ठीक है, या अनुपस्थित भी रहती है या फिर नहीं भी हो सकता है। रसदानी की जो झिल्ली होता है, यानी कि टोनोप्लास्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चयनात्मक परिगम होती है जो पोषक पदार्थ तथा अपशिष्ट पदार्थ के संग्रहण में मदद करती है। जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करती है हम लोग में, तथा पादप कोशिका में यह अस्फीति तथा कठारता प्रदान करती है। तो हम सब में ये क्या है, जंतु कोशिका में जो है वो जल को संतुलित करने में कार्य करता है, लेकिन पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा पादप कोशिका, ये जंतु कोशिका, इसमें कुछ कुछ कॉमन चीज़ है, जैसे इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें नहीं होता। इसमें केंद्रक दोनों में रहेगा, कोशिका झिल्ली भी दोनों में है, कोशिका द्रव भी देख रहे हैं दोनों में है, रसधानी भी देख रहे हैं दोनों में। इसमें बड़ा है, कितना बड़ा है देख रहे हैं, और ये बड़ी के बड़ा के कारण जो केंद्रक है वो बीच में नहीं होता है, इसमें देख रहे हैं नहीं होता है। ये रसधानी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, क्लोरोप्लास्ट भी इसमें होगा, हम लोग थोड़ी आ रहा होते हैं। ठीक है, तो पादप तथा जंतु कोशिका के अवयव हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा केंद्रक यानी न्यूक्लियस, तो यह कोशिका का प्रमुख संगठक है। मेन संगठक ये है जो कोशिका द्रव के मध्य प्रायः स्थित होता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, परंतु कुछ जीवों जैसे परमेशियम की कोशिकाओं में दो केंद्रक तथा राइजोब्स की कोशिका में अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। स्तनधारी जीवों की जो स्तनधारी जीव जो होते हैं उनके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, परंतु ऊंट की जो लाल रक्त कोशिका उसमें केंद्रक उपस्थित होता है। तो ये अपवाद में है।
तो जो स्तनधारी होते हैं जीव, उनमें लाल रक्त की जो कोशिका होता है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। ठीक, तो ऊट में होता है केंद्रक के चारों तरफ दो परतों से बनी केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जैसे कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली, उसे केंद्रक के बाहर केंद्रक झिल्ली होता है। यह झिल्ली लिपिड तथा प्रोटीन की भी बना होता है। इस झिल्ली में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग केंद्रक रंध्र बोलेंगे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली के अंदर केंद्रक द्रव होगा। जिस प्रकार से कोशिका और केंद्रक के बीच में, ये कोशिका के अंदर था कोशिका द्रव हुआ, उसी प्रकार से जो केंद्रक है उसके भी बीच में द्रव होता है, उसको हम लोग केंद्रक द्रव बोलेंगे। न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। केंद्रक रंध्रों के द्वारा केंद्र द्रव और तथा कोशिका द्रव के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है। केंद्रक द्रव में धागे के समान गुण सूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक गुण सूत्र जो होता है वो दो क्रोमेटिन धागे का बना होता है। क्रोमेटिन का देखिए यहाँ पर रासायनिक दृष्टि से न्यूक्लिक अम्ल DNA हो गया और RNA हो गया। क्रोमेटिन रासायनिक दृष्टि से अगर देखें तो DNA और RNA है। ठीक है, तथा प्रोटीन होता है। ठीक है, तो तथा प्रोटीन का बना होता है। गुण सूत्र पर दाने के समान रचनाएँ जीन पाई जाती है। ये जो होता है वो अनुवांशिक लक्षणों के वाहक होती है जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। गुण सूत्र कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखता है। ठीक है, स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। प्रायः केंद्र में एक या अधिक गोलाकार घनी रचना होती है जिसे हम लोग केंद्रक का कहते हैं। केंद्रक के अंदर भी एक या फिर अधिक इस प्रकार से गोलाकार रचना होता है ऐसे, तो उसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। यह राइबोसोम नामक रचना की उत्पत्ति में सहायक होता है। राइबोसोम जो होता है वो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करती है। ठीक है, यह होती है। जीवाणुओं एवं नील हरित शैवालों जैसे जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब जब इसके केंद्रक जो होता है उसके चारों ओर झिल्ली नहीं रहेंगे तो वो केंद्रक तो ऐसे ही बह जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो केंद्रक जो होते हैं वो मिला हुआ रहता है उसमें। ठीक है, द्रव में अनुपस्थित होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला, कोशिका केंद्रक के चारों ओर पाए जाने वाले केंद्रक झिल्ली ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें केंद्रक भी कोशिका द्रव में विस्तृत होता है। इस प्रकार के जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं होता है, आभासी केंद्रक होता है। तथा केंद्रक को आभासी केंद्रक कहा जाता है और हम लोग यूकैरियोटिक हो गए हैं। यू माने तुम, तो तुम लोग या हम जो होंगे यूकैरियोटिक हो, याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक मतलब यू माने तुम। ठीक है, ऐसे समझिए। केंद्रक अनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण के साथ साथ कोशिका के समान क्रियाकलापों पर भी नियंत्रण रखता है। पादप एवं जंतु कोशिका में यहाँ पर अंतर दिया हुआ है जो कि हमने क्वेश्चन आंसर में लिखा रखा है। इसमें कोशिका भित्ति होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें लवक होता है, इसमें नहीं होता है। कोशिका के मध्य भाग में एक बड़ी राजधानी होता है, इसमें छोटा होता है या फिर अनुपस्थित होता है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो आपका अभ्यासी प्रश्न है इसमें क्या क्या बोल रहा है। तो कोशिका सभी जीवों के शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, ये आपको पता है। सर्वप्रथम कोशिका का खोज जो था वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। नॉल एवं रस्कन ने 1932 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। कोशिका के विभिन्न अवयवों को अभिरंजित करने के लिए अनेक प्रकार के रंजक का प्रयोग किया जाता है। कोशिका के रूप में आकार में और उसके रूप आकार में काफ़ी विविधता होती है। तंत्रिका कोशिका लंबी तथा शाखित होती है। अमीबा का पादप चलने में तथा भोजन को निगलने में सहायता करता है। जो अमीबा का जो पादप होता है, जैसे ये अमीबा हुआ, ठीक है, इसके इस प्रकार से होंगे ठीक है। तो ये मान लीजिए जैसे बीच में भोजन होगा तो इस प्रकार से ये फैला देगा और बीच में भोजन धीरे धीरे ये ऐसे मिला लेगा, तो यही हुआ पदाव। ठीक है, ये कुटपाद भी बोलते हैं इसको। इसे चलन या फिर भोजन करता है। ठीक है, तो ये चलन निकलने में होता है। कोशिका मतवाद का प्रतिवादन स्लेडन और सुवान ने कहा था 1838 में किया। ठीक है, इसमें कहा जाता है कि जो भी जीव हैं सभी कोशिका से बने होते हैं और जो एक कोशिका है वो कहीं ना कहीं पृथक है, मतलब किसी कोशिका से वो बना ही है। ठीक है, ऐसा इन्होंने स्लेडन सुवान जो पर कोशिका मतवाद है, कुछ सेल थ्योरी है, उसमें ऐसा कहा है और कहा गया है। और ये 1838 में किया। कोशिका का वह समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार समान होता है उसको ऊतक कहते हैं। एक जैसे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाती है। कोशिका के तीन मुख्य संघटक होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक होते हैं। जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। ठीक है,
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली चयनात्मक परिगम होती है, यह भी पता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका ऊर्जा गृह कहते हैं क्योंकि ये ऊर्जा बनाता है ओटीपी श्वसन क्रिया के दौरान। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, हरित लवक और सूर्य, ठीक है। रसदानी चारों तरफ से टोनोप्लास्ट का नामक झिल्ली से घिरी होती है, जो झिल्ली से घिरा होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। स्तनधारी जीवों के लाल रक्त कोशिकाओं में जो होता है केंद्रकण उपस्थित होता है, लेकिन हमने देखा था ऊट में जो होता है, ऊट में जो लाल रक्त कोशिका होता है उसमें उपस्थित होता है। गुणसूत्र पर दाने के समान जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी पर दूसरे श्रेणी तक ले जाती है। राइबोसोम द्वारा प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। प्रोकैरियोटिक जीव में आभासी केंद्रक होता है, क्योंकि केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होता है तो इसमें ऐसा पाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।